हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक नए सेशन में। तो काफ़ी समय बाद मैन सिंगल टेनिस में एक अच्छी खबर आई है दोस्तों। झज्जर हरियाणा के 26 वर्षीय सुमित नागल पहली बार करियर में ATP रैंकिंग में टॉप 150 में एंटर हो चुके हैं। उनकी करंट रैंकिंग फिलहाल 141 है और इस तरह काफ़ी समय बाद किसी भारतीय सिंगल टेनिस खिलाड़ी ने इतनी हायर रैंक अचीव करी है। दोस्तों, ये साल सुमित नागल के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। इस सीजन उन्होंने ATP चैलेंजर टूर चेन्नई इंडिया और ATP चैलेंजर टूर ट्रॉइसडर्फ जर्मनी में सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। इसके अलावा ATP चैलेंजर टूर टोलिन ऑस्ट्रिया और ATP चैलेंजर टूर हेलसिंकी फिनलैंड में वो रनर अप रह चुके हैं। इस साल अब तक वो दो खिताब भी जीत चुके हैं। पहला खिताब उन्होंने ATP चैलेंजर टूर रोम इटली में जीता था और दूसरा खिताब उन्होंने ATP चैलेंजर टूर टेम्पेयर फिनलैंड में जीता था। निश्चित रूप से इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस के बाद उनकी रैंकिंग में उछाल होना स्वाभाविक था। इस साल की शुरुआत उन्होंने 400 से नीचे की रैंकिंग से करी थी, लेकिन अब वो दुनिया के शीर्ष 141 खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं। अभी हेलसिंकी फिनलैंड के फाइनल में पहुंचना उनके करियर का शानदार पड़ाव रहा है। इससे पहले वो एशियन गेम्स में भी भारतीय टीम का हिस्सा थे और क्वार्टर फाइनल में उन्होंने चाइनीज प्लेयर को काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी। क्योंकि टेनिस एक काफ़ी महंगा खेल है और आपको काफ़ी ट्रैवलिंग करनी होती है और साथ में सपोर्ट स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह तरह तरह की चीज़ें होती है और ATP चैलेंजर टूर पर उस लेवल पर खर्चे उठाना काफ़ी मुश्किल होता है। और कुछ समय पहले सुमित नागल ने भी बात कही थी कि उनको टूर्नामेंट खेलने में काफ़ी परेशानी हो रही है और उसके बाद से AITA और कुछ प्राइवेट पार्टनर्स ने उनको स्पॉन्सर किया और आज आप देख सकते हैं सुमित नागल अपने कैरियर की बेस्ट रैंकिंग में पहुंच चुके हैं। सुमित इस साल US ओपन के क्वालिफाइंग राउंड भी खेले थे जिसमें वो 95 रैंक खिलाड़ी से हार गए थे। इसके अलावा सुमित नागल टेनिस प्रीमियर लीग के सीजन 5 के सबसे ज़्यादा 18.5 लाख में बिकने वाले इंडियन खिलाड़ी थे। और क्योंकि अब टेनिस कुछ ही जगहों पर सीमित रह चुका है इंडिया में, तो ऐसे में इसमें मैसिव चेंज आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि सुमित नागल टॉप 100 में भी फ्यूचर में आएंगे या नहीं आ पाएंगे? हमको अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।